निलंबन वापस नहीं होगा, ऐसा सभापति वेंकैया नायडू ने कहा। एम वेंकैया नायडू अगर कह रहे हैं कि निलंबन का फैसला वापस नहीं होगा तो इसके बाद विपक्ष का गुस्सा और ज्यादा सामने आया, जिसके बाद सदन से वॉकआउट किया गया। राज्यसभा सभापति की तरफ से ये कहा गया कि जिस तरीके से विपक्षी सांसदों का बर्ताव रहा उसके बाद निलंबन वापस नहीं होगा, और 12 उन सांसदों के निलंबन वापस नहीं होने पर जब ये फैसला सामने आया है, जब इस तरीके का बयान सामने आया है, तो फिर उसके बाद विपक्षी सांसद और ज्यादा गुस्से में आ गए और ऐसे में राज्यसभा से विपक्ष के जरिए वॉकआउट किया गया। दरअसल पहले ये खबरें सामने आ रही थी कि विपक्षी सांसद राज्यसभा के सभापति से मिलकर माफी मांग सकते हैं और उनके निलंबन को समाप्त करने की कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन बाद में ये तमाम बातें सामने आई कि विपक्ष माफी मांगने नहीं जा रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि अपनी बात कहने का अधिकार सबको होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और उसी की सहभागिता हम कर रहे थे जिस पर ये कार्रवाई उन पर हुई। क्लैरिफाइड फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हाउस एज वेल एज द नेशन, द राज्यसभा इज ए कंटिन्यूइंग इंस्टीट्यूशन एंड द चेयरमैन ऑफ द हाउस ऑफ द राज्यसभा इज एम्पावर्ड 256, 259, 266, इवन अदर residuary powers also, chairman can take action and also the house can take action. What happened yesterday is not chairman taking action.